दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस के गिरोह के शार्प शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। हालांकि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित मोई को मंगलवार को 5 दिन के रिमांड पर लाया था। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धारीवाल और DCP राजीव रंजन लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को कई घंटे पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मोहाली में पिछले साल 7 अगस्त को उनके गिरोह के सदस्य विक्की मडुखेड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की की हत्या के आरोपी सिद्धू मूसेवाला के यहाँ ठहरे थे, इसी का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की गई। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बीहा को सपोर्ट कर रहा था। वो अपने हर गाने में बम्बीहा का जिक्र करता था। हत्या का कारण म्यूजिक इंडस्ट्री का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी बताया है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश करीब 3 महीने पहले रची गई थी। बिश्नोई ने गोल्डी बराट से बात कर सिद्धू का काम तमाम करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।